नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। सुषमा किचन में स्वागत है आपका। आज मैं बनाने जा रही हूँ कटहल दो प्याज़ा, जो बहुत ही टेस्टी है। इसके आगे आप चिकन मटन खाना भूल ही जाएंगे अगर इस तरह से बनाएंगे दो प्याज़ा। आइए हम बनाते हैं कटहल दो प्याज़ा। सबसे पहले हम कटहल को अच्छे से छील लें। यहाँ पे मैंने एक पाव कटहल लिया था, इसको अच्छे से छील लीजिए, ये जो हरा वाला है। उसके बाद इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें, फिर इसको साफ पानी से धुल लीजिए। फिर एक कुकर लीजिए, उस कुकर में इस कटहल को डाल दीजिए, आधा गिलास पानी डाल दीजिए। पानी डालने के बाद इसमें थोड़ा नमक डाल दीजिए, नमक हम थोड़ा ही डालेंगे। उसके बाद हम इसमें थोड़ा हल्दी डाल देंगे, हल्दी डालने से कलर अच्छा आता है। अब हम प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे, एक सीटी आने तक इसको उबाल लेंगे। ये देखिए एक सीटी हमारा हो गया है, अब हम इसको उतार लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से हमारा कटहल गल गया है, ये देखिए कितना खिला खिला हमारा कटहल हो गया है। अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे और पानी को अलग रख देंगे। उसके बाद हम एक प्रेशर कुकर गैस पर चढ़ाएंगे, उसके बाद हम उसमें आधा कटोरी राई का तेल डाल देंगे। ये जब तेल हमारा एकदम लाल हो जाए तब उसमें हम कुछ खड़े मसाले और सूखा लाल मिर्च और तेज पत्ता डालकर अच्छे से लाल करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो देखने से पहले लाइक ज़रूर कीजिएगा। थोड़ा इसमें हम अब हींग डाल देंगे, हींग को भी अच्छे से भून लें। उसके बाद हम इसमें दो प्याज डाल, प्याज थोड़ा बड़ा बड़ा रहे, अगर आपके पास छोटा है तो 5-6 प्याज ले लें। अब इसको हम अच्छे से ब्राउन कर लेंगे, इस तरह से आप भूनते रहिए प्याज को धीमी आंच पर। अब हम एक बाउल में आधा चम्मच हल्दी पाउडर लेंगे, 2 चम्मच धनिया पाउडर लेंगे। उसके बाद इसमें हम 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, ये बिल्कुल भी तीखा नहीं होता है। अब हम इसमें आधा चम्मच किचन किंग मसाला और आधा चम्मच गरम मसाला लेंगे। उसको हम अच्छे से मिक्स करके इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे, जिसका हम एक अच्छा पेस्ट बना लेंगे। इस तरह से आप मसाला पेस्ट बना लीजिए। हो गया हमारा मसाला तैयार, अब हम इसको साइड में रख देंगे। अब हम देखेंगे कि हमारा प्याज लाल हो गया कि नहीं। ये देखिए हमारा प्याज अच्छे से लाल हो गया, ना ज़्यादा ब्राउन ही है ना ज़्यादा सफ़ेद। अब हम इसमें पेस्ट बनाया हुआ मसाला डाल देंगे, इसको हम धीमी आंच पर पकाएंगे जब तक अच्छे से इसका तेल ना छोड़ दे। इसमें हम आधा चम्मच नमक डाल देंगे और धीमी आंच पर आप पकाएं। ये देखिए हमारा मसाला कितने अच्छे से पक गया। अब हम इसमें कटहल डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसको धीमी आंच पर भूनेंगे ताकि मसाला नीचे पकड़े ना और अच्छी सी खुशबू आए। उसके बाद हम इसमें कटहल का पानी डाल देंगे और आधा गिलास अलग से पानी डाल देंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स करके अब प्रेशर कुकर को हम बंद कर देंगे। एक सीटी आने के बाद गैस को हम बुझा देंगे। ये देखिए एक सीटी हो गया आने के बाद, अब हम प्रेशर कुकर को खोलकर चेक करेंगे कि हमारा कटहल कितनी अच्छे से बन गया है। ये देखिए हमारा कटहल दो प्याज़ा कितने अच्छे से तैयार हो गया। उसके ऊपर हम धनिया पत्ता डालकर सर्व करेंगे। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि हमारा कटहल दो प्याज़ा कैसा बना। इस तरह से आप अगर कटहल दो प्याज़ा बनाएंगे तो चिकन मटन खाना भूल ही जाएंगे। कैसा लगा कटहल दो प्याज़ा? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कैसा लगा।